हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका क्रिएशन। मैं हूँ प्रियंका। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो शुरू करते हैं पैलियोलिथिक एज के पहले भाग की। पहले भाग निम्न पूरा पाषाणकाल यानी लोअर पैलियोलिथिक एज, जिसका समय काल लगभग 500,000 ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस समय मानव आग का आविष्कार करना धीरे धीरे सीख चुका था। मानव समूह बनाकर शिकार करता था। इस समय के औजार जो थे वो क्वार्ट्जाइट पत्थर के बने होते थे, जैसे कि कुल्हाड़ी यानी हैंड एक्स और चॉपर इत्यादि। दूसरा भाग है मध्य पूरा पाषाणकाल यानी मिडिल पैलियोलिथिक एज, इसका समय काल लगभग 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल को फलक संस्कृति यानी फ्लेक कल्चर भी कहते हैं। मनुष्य जो था आग का तो यूज़ करना सीख गया था, लेकिन अब धीरे धीरे आग से क्या क्या किया जाता है यह भी वो अब सीखने लगा था। आग का यूज़ जो था अब ज़्यादा होने लग गया था। इस काल में पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण होने लग गया था। औजार इस समय के थे पत्थर की पापड़ियों से बने फलक, छेदनी, खुरचनी इत्यादि प्रमुख हथियार थे। हथियारों में क्वार्ट्जाइट पत्थर के अलावा जैस्पर और चर्ट इत्यादि पत्थरों का भी प्रयोग किया जाने लगा था। पैलियोलिथिक का तीसरा भाग है उच्च पूरा पाषाणकाल यानी हाई पैलियोलिथिक इरा या एज, इसका टाइम पीरियड है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इस काल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ था वो था होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव का जन्म हुआ था, यानी हमारा उदय हुआ था। अब मानव जो था रॉक शेल्टर में रहने लग गया था, यानी वो गुफाओं में रहने लग गया था। धीरे धीरे वो पेंटिंग और क्राफ्टिंग का काम भी करने लग गया था, जो कि भीमबेटकाओं की गुफाओं से जिसके प्रमाण हमें मिल जाते हैं। इस समय के औजार जो थे अब हड्डियों के बनने लग गए थे। हाँ, वो जब शिकार करता था तो जो जानवरों की जो हड्डियाँ बच जाती थी, अवशेष जो बचते थे, उन हड्डियों से अब वो धीरे धीरे अपने औजार हथियार बनाना शुरू कर दिया था। तो ये था पैलियोलिथिक एज के तीन युग। इन तीनों युग में पैलियोलिथिक एज धीरे धीरे किस तरह से भरा। ये जो पैलियोलिथिक एज है इसे ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। अब जान लेते हैं पैलियोलिथिक इरा के पेंटिंग्स के बारे में। तो लोअर और मिडिल पैलियोलिथिक एज में पेंटिंग्स देखने को नहीं मिलता है, पर अपर पैलियोलिथिक पीरियड में कलात्मक एक्टिविटी यानी देखने को मिलता है। शुरुआती कार्यों में विषय जो था सब्जेक्ट बहुत ही सरल था, जैसे सिंपल ह्यूमन फिगर, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जियोमेट्रिक डिज़ाइंस और सिंबल्स का यूज़ करते थे। दुनिया में रॉक पेंटिंग की पहली खोज भारत में सन 1867 से 68 में आर्कियोलॉजिस्ट आर्किवल कार्लेल द्वारा की गई थी, जो स्पेन में अल्तामिरा की खोज से लगभग 12 साल पहले हुई थी। अल्तामिरा जो है वो विश्व की सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग की एक साइट है। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, बिहार और उत्तराखंड इत्यादि जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पाए जाने वाले चित्र तीन श्रेणियों में विभाजित है, यानी तीन कैटेगरीज है। पहला है मैन, दूसरा एनिमल और तीसरा है ज्योमेट्रिक सिंबल्स। इन चित्रों में मुख्य कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन फिगर जो था वो स्टिक लाइक फॉर्म में होता था। एनिमल में लोमड़ी, छिपकली और भी अन्य जानवरों को चित्र देखने को मिलता है। लाइंस जो था बहुत ही वेवी लाइंस था, रेक्टेंगुलर ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस का यूज़ हुआ है। डॉट्स देखने को मिले हैं चित्रों में। पेंटिंग्स में ब्लैक, रेड और वाइट कलर का यूज़ होता था, पर बाद के चित्रों में लीनियर क्वालिटी देखने को मिला। पेंटिंग्स में ग्रीन और रेड कलर का भी यूज़ होने लगा और बड़े विशाल जानवरों का चित्र देखने को मिला, जैसे कि बाइसन्स, टाइगर, एलिफेंट्स, राइनोस, बोर्स और साथ ही स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर भी देखे गए। ये ज़्यादातर ज्योमेट्रिक पैटर्न में ही बने होते थे और हरा रंग का जो यूज़ होता था वो डांसर्स के लिए होता था और लाल रंग का यूज़ होता था हंटर्स के लिए। तो इस तरह से चित्रों को बनाया गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्री हिस्ट्री के दूसरे फेस के बारे में बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपको आज का ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।